हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 3.14 की। तो देख लेते क्या है। स्टील प्लेट ऑफ 20 mm थिकनेस एंड टेपर यूनिफॉर्मली द 100 mm टू द 150 mm। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो आपको स्टील की प्लेट दिख रही है उसकी थिकनेस लाइक द 20 mm है, तो यहाँ पे दोनों तरफ 20 mm रहेगा, पर वो वेरी कर रही है 100 से 50 की तरफ। तो सिंपल तरीके से आपने देख लिया यहाँ पे। उसने बोला कि उसकी जो टोटल लेंथ है वो 400 mm है, तो वो भी मैंने लिख लिया। तो व्हाट इज़ द इलोंगेशन ऑफ द प्लेट, एक्सेल लोड 80 लगा हुआ है, टेक ई इज इक्वल टू 100 GPa। तो सिंपल, जैसे लास्ट वाली प्रॉब्लम में मैंने जो बीच का डिफॉर्मेशन निकाला था उसका, तो वो मुझे निकालना पड़ेगा, यानी कि इसकी जो विड्थ है वो निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, जो कंसिडर करनी है वो। तो मैंने आपको समझाया कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ से एलिमेंट्री स्ट्रिप से पीछे वाली क्या है, उसकी हाइट मैंने 100 ले ली, यानी कि विड्थ उसकी 100 ले ली। सेम टाइम पे, क्योंकि अपन अब आगे से कम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो माइनस आएगा। फिर अपन को देखना है ज़्यादा वाले में से उसको कम वाले को घटाना है, तो 100 - 50 कर दिया। उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि जो लेंथ है 400 mm, तो वो मैंने नीचे लिख लिया और ऊपर एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से मेरे को ये थिकनेस जो यानी कि विड्थ है वो निकल के आ जाएगी। सॉल्व किया तो वो आ गया 100 - 0.125x। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि इसकी थिकनेस है 20, तो मैंने 20 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो एरिया बन गया। तो एरिया की वैल्यू आपके सामने यहाँ पे सीधी सिंपल दिख रही है कि 20 × 100 - 0.125x हो गई। स्ट्रेस निकालनी है तो स्ट्रेस लोड आ जाएगा, क्योंकि लोड यहाँ पे 80 kN लगा है, तो 80 × 10³ हो जाएगा, नीचे उसका एरिया आ जाएगा। तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया सिंपल तरीके से। इसके बाद मैं नीचे आ जाऊँ तो क्योंकि मुझे स्ट्रेन निकालनी है, तो यंग्स मॉडुलस का डिवाइड दे दिया है, जो कि 200 GPa दिया है। जब मैंने इसको सॉल्व किया, 10³ से 10³ कैंसिल हो जाएगा, 4/200। लाइक उसको पूरा सॉल्व करने के बाद मेरा आ गया 1/50 100 - 0.125x। अब मैंने चेंज इन लेंथ निकाली स्मॉल एलिमेंट के लिए, तो dx का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे मैंने उसको लिख लिया। क्योंकि अब मुझे ओवरऑल डिफॉर्मेशन निकालना है, तो मेरी जो लेंथ है वो वेरी कर रही है 0 से 400 के लिए, तो मैंने इंटीग्रेशन में लिमिट लगा दी 0 से 400, और सेम पूरी वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख लिया। कॉन्स्टेंट वैल्यू 1/50 मैंने बाहर निकाल ली, इस वैल्यू को मैं ऊपर लेके गया, तो क्योंकि 1/ में समथिंग है तो वो लॉग में आ जाएगा, तो लॉग में लिख लिया, लॉग में वैल्यू लगा दी, उसकी लिमिट की वैल्यू पुट्स कर दी। लिमिट की वैल्यू को पुट करने के बाद, जैसे आप देखेंगे 0.125x कर दिया, उसको सॉल्व किया बेसिक कैलकुलेशन, और आपका आंसर निकल के आ गया 0.11, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, अगर आपको ये बेसिक कैलकुलेशन नहीं आती है कि इंटीग्रेशन करते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मैंशन करना, तो मैं वो भी आपको करके बता दूंगा। बेसिक प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अगर आपको लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।